साहिब तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस कह दो साहिब। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैंने सब सीख लिया कि जन्नत को कैसे काबू में करते हैं। चालीस दिन तक सूरज जिन पढ़नी है, खाने पीने का परहेज, और मैंने ये भी सीख लिया कि असार कैसे खींचा जाता है। तुम्हें बहुत जल्द आजाद करा लूंगा, तुम बस हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे साहिब, इस अमल के बहुत खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं और ये बगैर किसी इजाजत के किया भी नहीं जाता। इजाजत कैसे? जन्नात को काबू करने के दो ही तरीके होते हैं, एक नूरानी और एक सिफली। दोनों ही अमल के नतीज बहुत खतरनाक है साहिब, इसमें जान भी जा सकती है। तुम्हारे बगैर मैं जी के क्या करूंगी दिलावास? लेकिन साहिब, ये अमल किसी की इजाजत, किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग की निगरानी में किया जाता है। हजरत बीबी के वालिद साहब बहुत नेक आमिल थे, उन्होंने उनकी निगरानी में मुझे काबू किया था। इसके बगैर ये सरासर खुदकुशी है साहिब। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है साहिब। सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। आपको मेरी कसम है, आप जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। आपको मेरी कसम है, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पे, वो हमें एक कर देगा, वो हमारी मदद करेगा साहिब। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, नहीं होगा सब्र मुझसे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इधर देखो, भीतर देखो। ऐसा कुछ नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। ठीक है, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा तुम्हें बगैर बताए। अरे बेटा, मैं हर कदम उठाने को तैयार हूँ, तुम मुझे बताओ तो सही मुझे क्या करना है। तुम्हारी बातों से तो साफ लग रहा है कि मेरे बेटे के दिल पर किसी जिनजादी का असर है। तभी तो तुम्हें वजदान मिला है, और मुझे पूरा यकीन है तुम ही मेरे बेटे को बचा सकती हो, तुम ही उसकी हमदर्द हो। लेकिन आंटी, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप वो धागा फवाद के हाथ पे बांध दीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटा। अभी तो मैं घर में अकेली हूँ, फवाद के अब्बू आते हैं तो मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ बेटा लेने के लिए। किरण आई अम्मी। निशिता आंटी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, मैं नहीं चाहती कि इस बारे में अम्मी को कुछ भी पता चले, आपको तो पता है वरना वो कितना शोर मचाएंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ गई हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें टेलीफोन करके आऊंगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। लेकिन दिलवा, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि सिफली अमल ज्यादा आसान होता है या नूरानी? नूरानी वजीफे के लिए दिल और दिमाग की तराहत बहुत जरूरी है, इसीलिए नस्बतन इसे मुश्किल वजीफा समझा जाता है साहिब। हाँ, सिफली तरीका बहुत आसान है, बहुत आसान। उससे जनाब के काबू में तो आ जाता है, लेकिन आमिल के अमल में से असर खत्म हो जाता है, और फिर वो अपने सारे काम हम जिन्नात से करवाते हैं। जैसे कि हजरत बीबी, वो अपने सारे काम मेरे जरिए करवाती है। आई बंद करो। साहिब, साहिब चले जाओ यहां से, खुदा के लिए चले जाओ, वो दोनों आ गए हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उठो। नहीं दिलवास, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं उनसे नहीं डरता। साहिब कहते हैं जाओ यहां से। नहीं, सीधा मेरे कमरे में चले ताकि मैं आपका ख्याल सही से रख सकूं। ठीक है, लेकिन पहले
पहले मैं दिलनवाज को देख लूं, क्या जरूरत है बड़ी? अभी आपकी इतनी तबीयत खराब, उसके सामने नहीं। कैसी तबीयत है हजरत बीबी? फिक्र मत करो, मरी नहीं हूं, इतनी जल्दी मरूंगी भी नहीं, और मरूंगी तो तुम्हारा बंदोबस्त करके मरूंगी। मुझे तो ऐसा रहने दे बड़ी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करें। कर लूंगी बाद में। क्यों इस घर को छोड़कर चली गई थी? कितना सुकून है यहां, कितनी अपनाइयत है। वाकई भी बड़ा बंगला, बैंक बैलेंस ही सब कुछ नहीं होता, इंसान के लिए दिल का सुकून सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर, आपका अपना ही घर है, सौ बिस्मिल्ला जी। आप करीब ही हैं? अच्छा, मैं आ रही हूं गेट खोलने। किरण जल्दी करो, जल्दी करो, उठो, तैयार हो जाओ। क्या हो गया अम्मी, कौन आ रहा है? नासिर की अम्मी का फोन था, वो माँ बेटा दोनों इधर हमारे महल्ले में किसी से मिलने आए, कह रही थी कि क्यों ना आपसे भी मिलती चलूं। जल्दी करो अम्मी जान, आपको पता है ना कल मेरा फाइनल एग्जाम है, मुझे बहुत सारा काम करना है। बस बको मत किरण, ये ज्यादा जरूरी है बेटा, मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते, और वैसे भी तुम फेल हो या पास, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, जल्दी करो। अम्मी क्या मुसीबत है यार, भी ऐसा पड़े, मुझे देखना है। तो नासिर की अम्मी को इसी वक्त आना था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप आ गई? हाँ बेटा, मैं इस वक्त घर में हूँ, आ जाओ। नहीं आंटी, वो दरअसल इस वक्त मेरे घर पर। देखो बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है, इनकार ना करना, मैं फवाद के अब्बा को बगैर बताए आ गई हूँ। शाम होने वाली है, मुझे वापस भी जाना है। मैं लेने आ जाऊँ? नहीं नहीं, आप मैं टाइम मैं खुद आ रही हूँ आपके पास, ठीक है? बड़ी मेहरबानी बेटा, बस जल्दी से आ जाओ। ओके आंटी। गर्मी बहुत है ना बाहर? बहुत गर्मी है, उफ, घर से निकलना कयामत हो जाती है। मुझे बैठो। हाँ। मैं यही सोच रही थी इतनी गर्मी में कैसे आए आप लोग। वैसे माफ कीजिएगा, हम बगैर बताए आ गए। कोई बात नहीं। अच्छा है, इस बहाने आप लोगों से मुलाकात हो गई। सच पूछे तो बहाने ही है, किरण को देखना मकसूद था। वैसे मैंने नासिर को कह दिया है, मेहंदी में 10 दिन रह गए, अब 10 दिन बाद ही दुल्हन से मुलाकात होगी।
ठीक है। वैसे आंटी किरण घर पर ही है ना? हाँ हाँ घर पे ही है, वो दरअसल चाय बना रही है आप लोगों के लिए, आप बैठे मैं अभी आती हूँ। आंटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन। मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की बेटा, और तुम फवाद के लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ऐसे नहीं कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, अब दिल से माफ करना बेटा, वरना मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। संभालिए खुद को, ऐसी बातें कर रही। मैंने फवाद के साथ भी बहुत ज्यादती की और तुम्हारे साथ भी, और आज मेरी जिद का नतीजा है कि मेरा बच्चा उस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया। इससे कितनी अजीब सी बात है ना, जो भी आपने मुझे फोन पर बताई। तुम मेरी बात का यकीन करो बेटा, मैंने खुद मारिया का बुरा हाल देखा है जो चुड़ैल ने किया, सच कह रही हूँ, मुझे माफ कर दो। किरण 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 जल्दी करो बेटा, अब वो लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे सिर्फ तुमसे मिलने। ये गई किधर? फवाद जब से इस घर से गया है बिल्कुल बदल गया बेटा, वो फवाद फवाद ही नहीं रहा, बिल्कुल पागल सा हो गया है। खालिद और मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाए, कभी घर से मिठाई गायब हो जाती और कभी दरवाजे सील हो जाते, हमें तो कुछ पता ही ना चलता। और फिर एक दिन मुझे फवाद ने खुद बताया कि बराबर वाले घर में उस चुड़ैल की शादी हुई थी, आलम आरा और जहांआरा के घर में। आलम आरा और जहांआरा? सुना है उनके पास कोई जिन है, लोग उनसे तावीज लेने के लिए आते हैं क्योंकि वो जिनों से काम करवाती हैं। तो आप मिली हैं इनसे? हाँ बेटा, मैं फवाद के लिए तावीज लेने जाती थी। और आज मैं उन सब बातों की तुमसे माफी मांगूंगी। मैं इसलिए भी तावीज लेने जाती थी कि फवाद तुम्हें छोड़कर नई जिंदगी शुरू करे और मारिया से शादी कर ले। मुझे माफ कर दो किरण, इसीलिए ये सब कुछ मेरे सामने आ रहा है। तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों को बात समझ में उस वक्त आती है जब पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है। लेकिन मुझे वाकई आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, प्लीज मेरी मुश्किल आसान करें। मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब तेरे हाथ में है। तू ही ना समझी तो फिर कौन समझेगा? उसे कोई नहीं बता सकेगा। इसको बचाने की बात कर रहे हैं आप, कुछ समझ नहीं आ रही। वो उसके कांधों पे सवार, अपने दोनों हाथ उसकी आंखों पर रखे हुए हैं। ना वो कुछ देख सकता है ना कोई उसे देख सकता है। मैं
मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ बेटा। खालिक तो मेरी बातों में ध्यान ही नहीं देते। आज तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। तुमने मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाया ना बेटा? तुम्हें तो खुद बाबा जी आए थे ना ख्वाब में। मुझे आपकी एक एक बात का भरोसा है। जो भी बातें आपने मुझे बताई है ना, वो बाबा मुझे पहले ही बता चुके थे। आंटी, फवाद पर वाकई किसी औरत जिन का साया है। अब क्या होगा बेटा, मेरे फवाद का क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें हम, कैसे करें? बेटा, तुम ही फवाद की कोई मदद करो। जन्नत काबू में करने का नरानी तरीका। नसल जन्नत को खुशबू बहुत पसंद है, लिहाजा गुसल करने के बाद अपने जिस्म को इधर से तक कर लें, फिर एक नस्बतन सुनसान जगह का इंतखाब करके अमल को वहाँ शुरू करना होगा। सुनसान जगह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दौरान अमल जन्नत तरह तरह की भयानक शक्लें बनाते हैं, जिसको देख कर आप अपना अमल तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप उनसे खौफजदा हो सकते हैं। लेकिन उनसे खौफजदा नहीं होना, क्योंकि वह सिर्फ़ और सिर्फ रुकावटें पैदा कर रहे होते हैं। कोई भी बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जहन मोहतात नहीं रह पाता। आप घबरा कर हसार छोड़ सकते हैं। हसार छोड़ने की सूरत में जन्नत आपको जान से मार सकते हैं, या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके जहन पर असर होता, आप पागल हो सकते हैं। बाकायदा अमल करने का तरीका। अमल शुरू करने से पहले 2 रकात नमाज फर्ज अदा करो। हर रकात में सूरह फातिहा और सूरह नसर 10 बार पढ़े। फिर नमक पर 4 कुल और आयतुल कुर्सी 1-1 बार पढ़कर अपना गिर्द हसार बना लें। अमल देखने में तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन आज रात 12 बजे ही शुरू करूंगा। कहाँ गई थी तुम बताए बगैर? अम्मी मैं वो, तुम्हें पता है आज मैं नासिर और उसकी माँ के सामने किस कदर शर्मिंदा हुई हूँ। क्या सोचती होंगी वो लोग, हाँ कि कैसी माँ है जिसको यही नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ गई। मैं जाकर मिल लेती हूँ ना अभी उनसे। बैठ जाओ यहाँ पे, कोई नहीं है नीचे, वो लोग जा चुके हैं। वो तो यहाँ करीब में किसी से मिलने के लिए आई थी, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के तुमसे मिलने के लिए आ गई। इंतजार कर करके चले गए वो लोग। सबसे पहले ये बताओ कि तुम गई कहाँ थी बिना बताए। अम्मी मैं बस थोड़ी देर के लिए पड़ोस में तो गई थी। पड़ोस तक? कौन से पड़ोस तक? आप बैठे, मैं आपको बता। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या मुसीबत हो गई थी पड़ोस में, वो भी उस टाइम जबकि घर में मेहमान मौजूद है और माँ को बताए बगैर। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी बात सुन। नहीं सुनना मुझे, मैंने कहा ना। अम्मी जब तक आप सुनेंगे नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊंगी, आपको कैसे समझ आएगी? बैठे हैं आप। कैसे समझाऊं मैं अम्मी आपको? आपको याद है अम्मी, कुछ दिनों पहले मैं शाम में बहुत जल्दी सो गई थी और जब मैं उठी थी तो बहुत डरी हुई थी। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने ख्वाब देखा है। मैंने आपको ख्वाब भी बताया था, है ना, आपको याद है? अभी मैंने ख्वाब में वही बाबा देखे थे जो मुझे मजार पे मिले थे।
फवाद तो आजकल मुझसे ऐसे उखड़ा रहता है, सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुमसे धागा तो ले लिया बेटा, उसके हाथ पे बांधूंगी कैसे? आप मुझे एक बात बताएं, एक फवाद ने आपको ये बताया कि उसकी शादी एक जन से हुई है, तो आपका क्या रिएक्शन था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग तो बिल्कुल माउफ हो गया था। मैं तो यही समझी ना कि इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे, और ये बात आपने उसे बोल दी तो क्या करती बेटा? नहीं आंटी, आपको फवाद से बहुत तरीके से बात करनी चाहिए थी। मैं उसके नेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, अगर उसे एक चीज के लिए मना कर दिया जाए ना, वो उस चीज से चढ़ जाता है। आप मान लें, अगर वो कहता है ना कि दिलनवाज उसकी बीवी है, तो आप ये बात मान लें, बल्कि आप उससे कहें कि आप दिलनवाज से मिलना चाहती हैं। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आंटी, मुझ पर भरोसा रखें। मैं वैसे भी साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, इससे ना पता क्या होगा, फवाद आपसे अपनी बातें शेयर करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, और ऐसा ऐसा आपके बहुत करीब हो जाएगा। इससे ना आपको मौका मिल जाएगा कि आप ये धागा उसके हाथ पे बांध दें। सोच तो मैं भी ये रही हूँ बेटा कि जब वो रात को सोए तो उसके हाथ पे धागा बांधू, लेकिन वो आजकल कमरे का दरवाजा बंद करके सोता है। फिर भी जो तुम कह रही हो मैं कोशिश करूंगी कि उस पर अमल करूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। हेलो। हाँ जहारा, तुम कहाँ हो? तुमने रابطہ ही नहीं किया। आज बड़ी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी, उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तौसीफ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें उन्हें जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अच्छा, मैं तो पूरा दिन तुम्हारी कॉल का इंतजार करता रहा, डॉक्टर सादिक से अपॉइंटमेंट तक ले लिया था, लेकिन तुमने कोई रابطہ ही नहीं किया। मैं आपको बता तो रही कि मैं उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गई। ऐसा करें, कल आके रिपोर्ट्स ले जाएं। घर आ जाऊं? हाँ घर आ जाइए, क्योंकि मैं बड़ी को अकेला नहीं छोड़ सकती। खुदा ना खास्ता अगर उनकी तबीयत दोबारा से बिगड़ गई तो कौन संभालेगा। अच्छा ठीक है, कब तक आऊं? मैं मौका देख के आपको बता दूंगी। मैं नहीं चाहती कि बड़ी को इस बारे में कुछ पता चले, क्योंकि वो किसी डॉक्टर को दिखाना ही नहीं चाहती। वो कहते हैं ख्वाम खा पैसे जाया होंगे, जितनी जिंदगी इंसान ने उतनी ही जीनी है। भला ये क्या बात हुई, अगर ऐसा ही होता तो लोग कोशिश करना ही छोड़ दें। अब क्या करूं तौसीफ, रोना ही इसी बात का है कि वो किसी की सुनती नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें कल फोन करूंगी, शायद मैं तुम्हें घर में आने की इजाजत भी ना दे सकूं, इसके लिए पहले से ही माजरा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे किसी काम तो आया। खुदा के लिए अब आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आपने जितना कुछ हमारे लिए किया है वो बहुत कम है। बड़ी ने तो आपको, प्लीज ऐसी बात मत कहो, उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी सोच के हिसाब से किया। अगर किसी के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है तो उसको गलत कहने का हमें कोई हक नहीं है। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बड़ी को दवाई देनी है। चलो ठीक है, मैं आता हूँ फिर कल। आप बड़ी को नहीं जानते तो उसे। पता नहीं भाई हम किस मुसीबत में फंस गए। किरण, आज दरअसल नासिर और उसकी अम्मी ना कार्ड बांट रहे थे, ये देखो कार्ड देने आई थी वो, पसंद आए तुम्हें? अम्मी आप क्यों हमेशा इस बात को इस बात से जोड़ देती हैं? मैं कौन सा भाग रही हूँ शादी से? सिर्फ इसलिए कि तुम मुसलसल भाग भाग के उनके मसाइल हल करती रहती हो, अपनी जिंदगी की तरफ तो ध्यान ही नहीं देती। मैं नासिर और उसकी माँ के सामने आज कितनी शर्मिंदा हुई हूँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ किरण। अम्मी मेरा कल लास्ट एग्जाम है,
कल के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, फिर एक और प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम फवाद और उसकी माँ से कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे। फवाद से तो मेरा अब कोई रिश्ता ही नहीं है अम्मी, और जहां तक रही रशीदा आंटी की बात, तो इंसानियत के नाते मैं उनकी मदद कर दूंगी। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या अम्मी, वो बाबा वाली सारी बातें सच हो रही हैं। बात पे वाकई किसी दिन का साया हो गया है। किरण, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। सब सोच सोच के ना तो खौफ महसूस हो रहा है। ये सब रशीदा का किया हुआ है। देख लो फवाद के सामने आ रहे। मैंने भी पहले ये बातें सिर्फ सुनी थी अम्मी। क्या वाकई जिन इंसान पे आशिक हो जाते हैं? हाँ किरण, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो हमारी एक पड़ोसन थी जुबैदा, उसके ऊपर जिन आते थे। तुम्हें पता है उसकी जो चोटी थी ना बालों की, वो खुद ब खुद खुल जाती थी और वो मर्दाना आवाज में बात करती थी। 4 साल तक वो जिन के कब्जे में रही। अभी वो ठीक कैसे हुई? अल्लाह बख्शे, तुम्हारी नानी ने ना किसी बाबा से कोई तावीज वगैरह ला के दिया, वो उसके घर वालों ने उसके बाजू पे बांधा, तब कहीं जाके जान छूटी उस जिन से। अम्मी, क्या ये बात सच है कि तावीज करने वालों के पास जिन होते हैं? हाँ, सुना तो है कि वो अमल चमल करके जिनों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, फिर सारे अपने काम उन्हीं से करवाते हैं। हाय, काश मेरे पास भी कोई जिन होता ना, तो किरण तुम्हारी शादी के सारे काम उससे करवाती कसम से। हाय हाय, पता है जैसे जैसे तुम्हारी शादी के दिन करीब आ रहे ना, मेरी तो परेशानी बढ़ती जा रही है। जी अम्मा। जाग रही हो बेटा तुम? जी, नमाज पढ़ा था। अरे वाह, मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और परेशानियां भी खत्म होती है। मैंने खाना लगाया था, सोचा तुम्हें बुला लाऊं, तुमने आवाज ही नहीं सुनी मेरी। नहीं, भूख नहीं है। मैं गया था नीचे, मैंने खा लिया था खाना। आप थी नहीं घर पे तो गर्म करके खुद ही खा लिया। अच्छा, चलो ठीक है, तुम आराम करो बेटा। जी।
नीली बड़ी दवाई खा रही। वो कौन सी दवाई है जिसे लेते ही फौरन नींद आ जाती है? मेरे ख्याल से ये नीली वाली है। वो ना देना मुझे, आज तुम्हारे चिल्ले की पहली रात है, आज तो मैंने निगरानी करनी है ना तुम्हारी। लेकिन आपको डॉक्टर ने कहा है? डॉक्टर को ये तो नहीं पता ना कि तुम चिल्ला खींच रही हो। बड़ी मैं खुद संभाल लूंगी, मैंने आपको और अब्बा हजूर को चिल्ला काटते हुए देखा है। किसी को चिल्ला काटते हुए देखना और खुद चिल्ला खींचने में बहुत बहुत फर्क होता है। और पहली रात तो बहुत मुजामत होती है, बहुत ही अजीब किस्म के खौफनाक आवाजें आती हैं और उससे भी ज्यादा भयानक तस्वीरें, शक्लें। कभी कभार तो ऐसा होता है छुट्टी के पहली रात ही लोग हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा बड़ी छोड़े, आप ये दवा खाएं, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा वो अलमारी से जरा लाल किताब लाना, वो जो पतली वाली है ना। बड़ी बड़ी यहां तो नहीं है। छोटी ठीक तरह से देखो। बड़ी मैंने ठीक से देख लिया है, यहाँ किताब नहीं है। कैसे हो सकता है, दो दिन पहले मैंने खुद रखी है। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ, ये दुआएं पढ़नी है तुमने पहले। और वैसे भी मुझे वो सब कुछ जबानी याद है, मैं बताती हूँ ना क्या करना है तुमने। बड़ी दिलनवाज के सामने? हाँ ये तो बिल्कुल बेजरर है, जंजीर की वजह से ये ना इसके कबीले वाले कोई मजामत ही नहीं कर सकता। वैसे भी ये तो सबसे बेहतरीन वक्त है अमल करने का, आसानी से हो जाएगा और 40 दिन के बाद ये तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। हजरत बीबी ठीक कह रही, हमारी तरफ से कोई मजम्मत नहीं करेगा क्योंकि मैं तो आपकी गुलाम हूं। और जब आलिम अपनी मर्जी से अपने मौकिल को किसी को सौंपता है तो उसके नए मालिक के लिए चिल्ला काटना आसान हो जाता है। ये लो, यहां से शुरू करना।